नमस्कार, आप लोग के हमारे चैनल जान ब्लॉग्स में स्वागत है। आज फिर एक नए टीम से मिलने के लिए आए हैं। वह टीम आप लोग भली भांति जानते हैं। सबसे पहले राजगीर में वही लोग कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने का प्रयास किए और बहुत लोग उनका वीडियो फोटो देखकर इंस्पायर हुए और लोगों में फिर जागरूक किए। और लोग आइए उन लोगों से मिलाते हैं, कौन ऐसे लोग हैं। वैसे उनको नाम का मोहताज नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जितेंद्र भैया है। जितेंद्र भैया का टीम था और जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग अपने मतलब अपने कमेटी में एक बार राशन इकट्ठा करते हैं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है और जो कि खुद से राशन नहीं खरीद सकता है। डेली रोज मजा का इनकम करता था, आप देख सकते थे। एक माता जी थे जो कि क्या इनकम कर सकते हैं, लेकिन ये जितेंद्र भैया का टीम और बहुत सारे उनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो कि आर्थिक रूप से लोगों को मदद कर रहे हैं। ये इनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है, ये अपने अपने आस पास से जितने भी दोस्त इनको सहयोगी करते हैं तभी लोगों को जाकर सहयोग करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सैल्यूट कीजिए। और हाँ, इनका शिशुपाल नाम है। तो आप कैसे लोगों को मदद कर रहे हैं भैया? हम गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं जो असहाय है। अच्छा अच्छा, जिनको इस लॉकडाउन से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। जी जी जी, समझे। जो गरीब गुरबा हो, जो डेली खाने वाला हो। अच्छा, कक्षा बेचने वाले हैं। अच्छा, बेदाम बेचने वाले। आपको सरकार से कुछ फंड वगैरह मिल रहा है जिससे मदद कर रहे हैं? सरकार से हमको कोई राशि नहीं मिली है। अच्छा, एक मानवता धर्म जो होता है ना, जी जी, उसके तहत हम सभी लोगों का, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि आप मतलब अपने जो भी कमेटी है उनसे मतलब कि लोग पैसा इकट्ठा करके आप लोग मानव का सेवा कर रहे हैं? हाँ, यही काम कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत शिशुपाल भैया, और ऐसे ही देश की सेवा करते रहिए। और अभी कीजिएगा तो समझ लीजिए आगे का वो बहुत दूर तक जाएगा। कहते भी इंसान की एक रुपया खर्च कर रहे हैं तो ऊपर भगवान आपको चार रुपया जरूर देगा। दे रहे हैं, दे रहे भैया। हाँ, और सेवा आप करते रहिए इसी तरह से। बात सही है जी। दे किराए पे कुछ रहते हैं, यूपी से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितेंद्र भैया का टीम, पंकज भैया का टीम और जितने भी लोग उनके हैं वो सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देख लीजिए बाहर से जो भी और आप लोग से ये कहेंगे कि इस वीडियो को जहाँ से आप लोग देख रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में जैसे कोई किरदार रहता होगा, बाहर का रहता होगा, तो वो लोग आप लोग मदद कीजिए। चाहे आप मकान मालिक हो, चाहे आपके उनके पड़ोस में है। गया की ओर रोड जाने वाली और ये पटना की ओर रोड जाने वाली, वहाँ पे जस्ट स्थित है। यहाँ पर हुआ तो इस सुदामा पेट्रोल पंप के जस्ट निकट थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहाँ पर इस घर को आपको गौर से देख लीजिए। ये खजूर का पेड़ है इसके घर में, दो पेड़ है इसमें लगा हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग बाहर में रहते हैं और उनको राशन पानी में दिक्कत हो गया क्योंकि बाहर से आए और यहाँ पे कुछ काम धाम करते थे, तो यहाँ पर लोग आए और मदद किए। आप लोग से भी हो सकता है, जो संभव आप लोग भी आके यहाँ पे मदद कर सकते हैं। तो आप लोग को एड्रेस मैंने बता दिया। तो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि इस दुनिया में मानवता जिंदा है, तो मानवता जिंदा है, तो आप लोग भी इस चीज को मानिए और इन लोग को आगे सेवा कीजिए। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका रिप्लाई देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में कुछ हम गलती बोल दिए हैं तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है।